ड्राइंग टीचर के पद सोलन जिला समेत अन्य जिलों के कई स्कूलों में भी खाली पड़े हैं, जिन्हें कई वर्षों से शिक्षा विभाग द्वारा भरा नहीं जा रहा है। ऐसे में एक और जहां विद्यार्थी चित्रकला की बारीकियों को नहीं जान पा रहे हैं, वही जो युवा कला के क्षेत्र में अपना भविष्य ढूंढ रहे थे और कला के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, वह अभी तक बेरोजगार है। यह बेरोजगार युवा लगातार प्रदेश सरकार के संज्ञान में यह बात ला रहे हैं कि स्कूलों में खाली पड़े ड्राइंग मास्टर के पदों को जल्द भरा जाए, लेकिन प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों पर पिछले 3 वर्षों से कोई गौर नहीं किया है। अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मीडिया को जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री हिमाचल द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि जल्द स्कूलों में 4000 पद भरे जाएंगे, जिसमें ड्राइंग मास्टर के पद भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जल्द ही यह भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। शिमला से रिपोर्टर संजू चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने बजट भाषण में कहा कि शिक्षा विभाग में हम 4000 पदों को भरेंगे, तो उनमें से इनका भी हमने कुछ पैमाना रखा है, तो उसमें जो है हम ड्राइंग टीचर को भी भरेंगे। सर, हम चर्चा कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द उसका परिणाम निकले। आप सभी घर पर सुरक्षित रहें, कोरोना नियमों का ठीक से पालन करें, हम सभी मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। इस संकट काल में कांग्रेस और मैं सदैव आपके साथ हैं। डटकर मुकाबला करें, घबराएं नहीं।